नमस्कार दोस्तों, यूनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं पूजा कालिया आप लोगों के लिए यूनिटी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही रोचक दो कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, जो पहला कोर्स है वह कंप्लीट क्लासेस वीडियो है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो कोर्स है वो सिर्फ 1,999 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा जो दूसरा कोर्स मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को दिया जाएगा, वह क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि मैं 2013 से लेकर 2023 तक सारे क्वेश्चंस उनके मॉडल आंसर के साथ आपको सॉल्यूशन दूंगी, साथ में उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दूसरा कोर्स जो कि PYQ से संबंधित है वो 999 रुपये में उपलब्ध है। आपको मैं बताना चाहूँगी, यदि आप दोनों कोर्स एक साथ लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य ही क्यों। देखिए, जैसा कि आपको पता है, UPSC में बहुत सारे वैकल्पिक विषय हैं, पर ऐसा क्या कारण है कि हिंदी साहित्य ही हमेशा से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक बोल सकते हैं एक बहुत ही बेनिफिशियल विषय रहा। बहुत इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वह हिंदी भाषा को लेकर बहुत ही अपने आप को सुविधाजनक महसूस करते हैं। भाषा का किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है और वह आराम से पूरे विषय वस्तु को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके अलावा जो दूसरा कारण है वह यह है कि इसमें करंट अफेयर का बहुत ही कम महत्व होता है। अगर आप भूगोल जैसे या अन्य विषय जैसे कि समाजशास्त्र या फिर और भी कोई विषय लेते हैं, राजनैतिक शास्त्र, तो आपको करंट अफेयर से हमेशा अपडेट करना पड़ता है। पर हिंदी साहित्य में करंट अफेयर का मात्र 10-15% भी योगदान नहीं होता, क्योंकि कबीर जी ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, तुलसी जी ने जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया। हाँ, लेकिन आधुनिक काल की अगर बात करें तो कुछ समकालिक लेखक हैं, कुछ समकालिक कहानीकार हैं, उनके जीवन मृत्यु जैसी घटनाएं होती रहती हैं, तो वह कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत हद तक यह सब्जेक्ट जाना पहचाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत हद तक ये सब्जेक्ट जाना पहचाना है, क्योंकि आपने कक्षा 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में पहले भी कबीर के दोहे, रहीम की रचनाएं और तुलसी जी के रामचरितमानस, मीराबाई के दोहे, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं यह सब्जेक्ट एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करता है। आपको पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि आप अचानक से किसी और विषय के बारे में आपको मतलब किसी पृष्ठभूमि का होना आवश्यक होता होगा, या फिर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, जाना पहचाना होने के कारण यह आपको बहुत ही रुचिपूर्वक ही लगेगा। अब देखिए, अगली जो बात है वह यह है कि विषय वस्तु बहुत ही सीमित है। जी हाँ दोस्तों, विषय वस्तु बहुत ही सीमित है। देखिए, हिंदी साहित्य को हम साधारणतः 3 भागों में, जिसमें एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य और एक होता है भाषा खंड में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब ये 3 भागों में विभाजित करके हम साधारणतः अपने सिलेबस कवर करते हैं, जो कि बहुत ही सीमित होता है और हमें पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती। हमें अलग अलग टॉपिक्स ढूंढने के लिए अलग अलग पुस्तकों को फॉलो नहीं करना पड़ता है, तो यह भी एक उसका बेनिफिट होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के शिक्षकों द्वारा जाँच की जाती है। देखिए, अब मुझे नहीं पता है ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है, पर UPSC में हमेशा ये आरोप लगाया जाता है हिंदी माध्यम के छात्रों के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ पक्षपात किया जाता है माध्यम को लेकर, या कहीं ना कहीं उनकी कॉपियों के साथ कुछ ना कुछ भेदभाव किया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि हिंदी साहित्य का की आप इसको वैकल्पिक विषय के तौर पर अपनाते हैं तो कॉपी भी हिंदी साहित्य के टीचर के द्वारा ही जांची जाती है, क्योंकि वह साहित्य का ही टीचर होता है, तो वह नंबरों में किसी भी प्रकार की भाषा से संबंधित कटौती तो बिल्कुल नहीं करता। और
एक मार्मिकता भी बनी रहती है जो साहित्य के छात्र हों या शिक्षक हों, तो स्कोर कहीं ना कहीं बढ़ने की ही गुंजाइश होती है। देखिए, इसके अलावा जो हमारा अगला बिंदु है हिंदी साहित्य ही क्यों के विषय में, वह है कि यह विषय एक तो आत्मनिष्ठ है, दूसरा काल्पनिक है। मतलब दोस्तों, यदि आप भूगोल लेते हैं या आप गणित लेते हैं या आप कोई भी सैद्धांतिक विषय लेते हैं, तो उसके सिद्धांत पहले से सत्यापित किए जा चुके और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उन्हीं को ही लिखना होता है। बट अगर आप साहित्य जैसा कोई भी विषय लेते हैं, तो साहित्य बहुत ही आत्मनिष्ठ विषय होता है। यदि कोई प्रश्न ऐसा है जो इसके बारे में आप नहीं जानते हैं या जिसको आपने पहली बार देखा है, उसका भी आप उत्तर लिख सकते हैं बहुत ही सरलता से, क्योंकि अपनी काल्पनिकता का प्रयोग करके। दोस्तों, अन्य सिविल सेवाएं जो कि राज्य में होती हैं, जहाँ पे वैकल्पिक विषय होते हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ का भी एक कहीं ना कहीं जो स्कोर रहा है वो साहित्य, हिंदी साहित्य को लेके बहुत ही अच्छा रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो ये आपको वहाँ पे भी बहुत लाभ पहुँचाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो अन्य वैकल्पिक विषयों से हिंदी साहित्य को अलग बनाती है, वह है सामग्री अच्छी एवं सुउपलब्ध। दोस्तों, अगर आप भूगोल या फिर इतिहास जैसे विषय लेते हैं, तो इनकी जो किताबें होती हैं, रिफ्रेंस बुक्स होती हैं, जो वो मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं, जिस कारण क्या होता है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को वो किताब ट्रांसलेट करके दी जाती है, जिस कारण भाषा संबंधित बहुत सारी त्रुटियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में कई कोचिंगों के द्वारा हिंदी साहित्य में इतना अच्छा काम किया गया है, इसकी जो सामग्री है उसके ऊपर इतना अच्छा काम किया गया है, पिछले साल के पेपरों पर इतना अच्छा काम किया गया है कि इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जितनी भी सामग्री है वो बहुत ही आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों, ये सारे कारण हो गए कि आपको क्यों हिंदी साहित्य लेना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ देखिए, मैं आपको तथ्यों के साथ बात करती हूँ। तथ्यों के साथ मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि क्या कारण है कि हिंदी साहित्य अन्य विषयों से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया। बट मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए आंकड़े भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितनी अन्य चीज़ें, क्योंकि हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों का मैंने आज सुबह ही बैठ के ये डेटा तैयार किया है कि पिछले कुछ वर्षों का अगर आप डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि संस्कृत साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में अगर आप हिंदी माध्यम से चयन देखेंगे तो विद्यार्थियों ने 320 से ज़्यादा नंबर नहीं इकट्ठा किए, 320। जबकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए मोटा मोटा जीएस में सबका जो नंबर होते हैं अगर आप देखेंगे तो वो लगभग समान नहीं होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अपनी रैंक में सुधार करना चाहता है तो उसके लिए रामबाण केवल और केवल वैकल्पिक विषय होता है। अब वैकल्पिक विषय अगर आप कुछ और लेते हैं तो हिंदी माध्यम के छात्रों का यह प्रदर्शन है, परंतु यदि आप बात करेंगे अन्य की, अगर आप बात करेंगे हिंदी साहित्य की, तो आप देख पाएंगे कि अभी तक का सबसे ज़्यादा अंक अर्जित करने वाला विषय जो प्रदीप कुमार द्विवेदी जी हैं, इन्होंने अर्जित किया था हिंदी साहित्य में 344 नंबर। इसके अलावा भानु प्रताप जी ने 326 नंबर, अभिलाष जी ने 320 नंबर और गंगा सिंह राजपूत, जिनको आप लोग जानते हैं, उन्होंने 315 नंबर अभी तक अर्जित किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये विषय बहुत स्कोरिंग भी है, जिससे सारे जो छात्र हैं वह यदि अपनाते तो अन्य विषयों की तुलना में नंबरों में भी आप एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये कुछ पिछले वर्षों के आंकड़े हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तो आपको तथ्य भी बता दिए। पहले तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि क्यों, और अपने क्यों को ही सत्यापित करने के लिए मैंने आपको तथ्य भी दे दिए, क्योंकि बिना तथ्यों के दोस्तों मैं करती नहीं हूँ बात। आइए दोस्तों, अब देखते हैं
आखिर हिंदी साहित्य का सिलेबस कितना है, कैसा प्रश्न पत्र है, किस प्रकार की रूपरेखा होती है, कुछ इस प्रकार। देखिए क्या है कि यूपीएससी जो है, मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी है ठीक है, इस पे जो वैकल्पिक विषय होते हैं उनमें दो पेपर होते हैं जो कि 250-250 नंबर के होते हैं। अब ये जो पहला पेपर होता है, जिसको हम पहला वैकल्पिक हमारा पेपर होता है, इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है भाग क, एक होता है ख, ठीक है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब ये जो पार्ट वन है ठीक है, इसके भी इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 से लेकर 4 तक होते हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न है उसको हल करना अनिवार्य होता है। इसमें 5 उप प्रश्न होते हैं छोटे छोटे, उनको भी आपको साथ में हल करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 होते हैं, 3, 4, 2 में भी 3 उप प्रश्न होंगे छोटे छोटे, उसके बाद 3 में भी होंगे, और फिर इसी प्रकार 4 में भी होंगे ठीक है। अब जो प्रश्न का प्रश्न पत्र 1 है, उसका जो भाग 2 है दोस्तों, उस वो कैसा होता है वो मैं आपको बता दूं, वो भी इसी प्रकार होता है। वह 5 से लेकर 6, 7, 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5वां जो पहला क्वेश्चन होता है वो हल करना बाध्यकारी होता है, जिसमें 5 उप प्रश्न होते हैं, 6, 7, 8 में 3-3 उप प्रश्न होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि आप बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं आप ऐसा आप पे विश्वास करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपको जो पढ़ाऊँगी आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि एक तो विषय बहुत रुचिपूर्ण है, ऊपर से आप लोग बहुत समझदार हैं। देखिए अब ये जो है, दोनों पार्ट को मिला के कुल 8 प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं, पहला और 5वां सवाल सॉल्व करना, उत्तर लिखना उसका अनिवार्य होता है। बाकी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरा चुन लें, और एक ऐसा कर लें कि 6वां और 7वां चुन लें, तो आपके कुल कितने प्रश्न हो गए, 5। अब प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 50 नंबर का होता है, तो इस प्रकार आपके कितने अंक हो गए, 250 अंक हो गए ठीक है। इसी प्रकार आपका जो पेपर 2 होता है, उसमें भी दो भाग होते हैं, भाग क और भाग ख। अब भाग क जो होता है, उसमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हल करना अनिवार्य होता है, 3 में से आप और रख कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भाग जो ख होता है, उसमें भी 6 से लेकर 8 तक होते हैं, सॉरी आपका 5 से लेकर 8 तक होते हैं, और उसमें भी 5वां जो है हल करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार 8 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। तो ये पेपर की एक रूपरेखा है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए क्या क्या कोर्स लेके आ रही हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिर क्यों हिंदी साहित्य, जिसके लिए मैंने आपको प्रमाण भी दिए, और उसके बाद मैंने आपको पेपर का, ये वैसे हर वैकल्पिक विषय का ऐसे ही होता है, पर हिंदी साहित्य का ऐसा आपका रूपरेखा होती है। अच्छा, ये उप प्रश्न इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप पूरा सिलेबस कवर करें, कोई भी स्टूडेंट कोई किसी टॉपिक के माध्यम से टॉप ना करे, सारी चीज़ें पढ़े, तो वो उप प्रश्न दे देते छोटे छोटे। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, और देखते हैं कि आखिर भाई क्या बात है, जो मैडम तब से कह रही है कि पाठ्यक्रम बहुत कम है, बहुत कम है, आपको यही लेना चाहिए, तो मैं इसको भी आपके सामने प्रमाणित करती हूँ। देखिए जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि जो पहला है, पहला प्रश्न पत्र है, उसके दो भाग हैं, क और ख। इसी प्रकार प्रश्न पत्र 2 है, जिसका भाग है क और ख। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके हम इन्हें थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है, और मैं समझती हूँ कि आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास से बहुत प्रभावित होंगे, और आप बहुत जल्द ये कोर्स लेकर मेरी क्लास में आगे की पढ़ाई करने आएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य अपने में ही बहुत मज़ेदार विषय है। हाँ दोस्तों, तो देखो थोड़ा सा हम रंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो रंगों से तो हमारा एक अलग लगाव होगा ही। तो देखिए, पहला प्रश्न पत्र में भाग क में क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें हमको पढ़ना है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास मतलब कि भाषा का विकास कैसे हुआ। दोस्तों जो मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, लिपि कैसी होनी चाहिए, पहले कैसी थी, इस पूरी एक यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें सबसे पहले भाषा का विकास कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा मोटा मोटा अगर बताने की कोशिश करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, संस्कृत, पाली और प्रकृति, ये एक एक स्टेप है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्रकृति, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा हमें जो सिलेबस स्टार्ट करना है वो अपभ्रंश, अपहट
और पुरानी हिंदी से चालू करना, फिर आगे हमको और भी विभाषाएं पढ़नी। तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि जो प्रश्न पत्र क है, जो प्रश्न पत्र पहला है उसमें जो भाग क है पार्ट वन, उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें हमको करना है हिंदी भाषा के इतिहास। इसी प्रकार दोस्तों जब हम आएंगे भाग दो में, तो भाग दो में हमने क्या देखना है, हमने देखना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो देखिए, भाषा का निर्माण हो गया, वो हमने पहले भाग में पढ़ लिया। अब क्योंकि भाषा बन गई है, तो एक साहित्य तो बनेगा ही, लोग साहित्य लिखेंगे उस भाषा का प्रयोग करके। तो दोस्तों इसके तहत हम पढ़ते हैं चार युग, ठीक है। चार युग में हमने क्या पढ़ना होता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये चार। अभी अपने में ही बहुत विस्तृत हैं, इनके अंदर अपने कवि हैं, अपने चरण हैं और अपने ही उदाहरण हैं जो आपको नंबर दिलवाएंगे। तो ये आपका प्रश्न पत्र एक हो गया। अब आइए दोस्तों अगले में आते हैं। अगले में जब आप आएंगे प्रश्न पत्र दो में, है ना, तो आपको यहाँ पे भी भाग क मिलेगा। अब दोस्तों भाग क में क्या है, भाग क में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पदखंड। पदखंड कबीर के पद, तुलसी के पद, जायसी के पद, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास सेम लग रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने में ही अलग अलग है। जब आप मेरी क्लास में आएंगे, आप मेरी क्लास देखेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि भाषा अलग होती है, उसके निर्माण के बाद साहित्य बनता है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका पद। अब इसका जो भाग दो होता है उसमें क्या होता है, भाग दो में हमने सबसे पहले देखना है उपन्यास, फिर हमने देखना है कहानी, फिर हमने देखना है नाटक और फिर हमने देखना है निबंध, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि भाषा, देखिए जो पदखंड है उसमें, जो उपन्यास है उसमें हमको पढ़ना क्या, गोदान। आप पढ़ेंगे दोस्तों, विश्वास मानिए, आप हिंदी साहित्य के फैन हो जाएंगे। गोदान जो है वो हमारे प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जो कि भारत की ग्रामीण भूमि को, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। बहुत ही रुचि वाला है, एक बार आप पढ़ेंगे, मैं आपको कह रही हूँ कि आप कम से कम दो तीन बार और पढ़ेंगे, और जब आपको समय मिलेगा आपने पढ़ना ही है गोदान, इतना ज़्यादा रुचि वाला है, ठीक है। उसके बाद दिव्या है, जो कि स्त्रियों से संबंधित है। तो जो भी मेरी प्यारी बहनें, बच्चियां और जो भी महिलाएं स्त्रियों को लेकर एक अपना अलग समाज से हटके सोच रखती हैं, चाहती देखती हैं, वो उस चीज़ से संबंधित दिव्या उपन्यास में बताया गया। इसके अलावा मैला आंचल, महाभोज, थोड़ा सा राजनैतिक परिदृश्य को लेकर है। ये चार उपन्यास हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में दिए हुए हैं। दोस्तों कहानियाँ तो आपने बचपन में नानी और दादी से खूब पढ़ी होंगी, पर यहाँ जो कहानियाँ उससे भी ज़्यादा रुचि वाली हैं। हाँ, अंतर यह है कि अब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है प्रेमचंद्र की आप कहानियाँ देख सकते हैं, इसमें आपने एक दुनिया समानांतर की कहानियाँ देखनी है, जो कि आधुनिक काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा नाटक वही जो हम स्कूल और कॉलेजेस में परफॉर्म किया करते थे, दिखाया करते थे, और कई लोगों को वैसे भी नाटक करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, वो इनको देखें और थोड़ा और अपने जो एक्टिंग का कीड़ा उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और अषाण काकाल, तीन नाटक करने हैं। इसके बाद दोस्तों निबंध कईयों को बोरिंग लगता है, पर मेरा विश्वास करिए दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको निबंध भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें आपको करना है चिंतामणि और दूसरा आपको करना है निबंध निगम। तो दोस्तों मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि साहित्य क्यों ज़रूरी है, हिंदी साहित्य, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा मैंने थोड़े से तथ्य भी दे दिए, थोड़ा सा आपको मैंने प्रश्न पत्र के बारे में समझा दिया, थोड़ा मैंने आपको पाठ्यक्रम के बारे में समझा दिया। पर अगर आपको सच में लगता है कि आप हिंदी साहित्य के प्रति एक अलग लगाव अपना दिखाना चाहते हैं अपने, और लगाव के साथ तो चलिए ठीक है, मेन जो होता है वो यूपीएससी का सिलेक्शन होता है, रैंक इम्प्रूवमेंट करनी होती है, जो कि केवल वैकल्पिक विषय से की जा सकती है। अगर वो आप करना चाहते हैं तो आप हमारे दो कोर्स, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 1999 का एक है हमारा, 1999 का
उसको ले, जिसमें मैं आपको फुल क्लास दूंगी, साथ में मैं आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगी, जिसको आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ करने की नहीं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपको 199 में मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, PYQ कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि करंट अफेयर का हिंदी साइड में बहुत ज़्यादा कोई रोल है नहीं, तो आप PYQ कर लीजिए। क्योंकि देखिए ना, आप खुद समझने की कोशिश करिए, कबीर जी ने जो कर दिया वो कर दिया, रहीम जी ने जो कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो अगर आप PYQ अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, 2013 से लेकर 23 तक का मेरे साथ करते हैं, ठीक है, मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको पर्सनली मेंटर दूँगी, ठीक है, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप और अपने उत्तरों में सुधार कर सकते हैं। तो मेरे पर्सनल गाइडेंस के लिए अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ 3999 वाला भी ये पैकेज लीजिए। और दोनों लेने पर मैंने आपको बताया ही हुआ है कि 10% की मिलेगी छूट। चलिए दोस्तों, आप मुझे आप इजाज़त दीजिए, बाकी आपका यूनिटी IAS के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है।